क्या आप AMC के बारे में जानते हैं? क्या आप AUM के बारे में जानते हैं? क्या आप यूनिट्स के बारे में जानते हैं? क्या आप NAV के बारे में जानते हैं? और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और मैं हूँ तेज शर्मा। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि हम में से कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बट जो है उनको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता होता, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ना पता हो, आपको पता भी हो, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज वाले जो हैं एडवाइज़र बैठे हैं हमारे इंडिया में। तो सिर्फ मेरा क्या मकसद रहता है, आपको बिगिनर्स को समझाना जिनको नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू बात करते हैं AMC से कि AMC क्या होती है। देखिए, AMC की फुल फॉर्म होती है जो, वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एसेट को मैनेज करती है कंपनी, जो कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो मान लेते हैं HDFC जैसे म्यूचुअल फंड है, तो उसकी भी एक HDFC AMC है, तो जो उसको फंड्स जो आता है उसको मैनेज करती हैं, उसको हम कहते हैं AMC। जो जो भी स्कीम्स जो ओपन होती हैं, कोई और स्कीम न्यू ओपन करनी हो, मार्केट में लानी हो, तो वो भी AMC ही द्वारा लाई जाती है मार्केट में। और बात करेंगे AUM के बारे में, तो AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट किसके पास जाती है, AMC के पास। मैनेज कौन करता है? AMC फंड मैनेजर जो होते हैं स्कीम्स के, वही उनको मैनेज करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक स्कीम का जो AUM होता है वो चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लेते हैं अगर आपके पास एक फंड मैनेजर के पास 131 करोड़ का AUM है, और वही दूसरे फंड के मैनेजर के पास जो है 5000 करोड़ रुपए का है, तो ऐसे में इजीली है जो कौन मैनेज कर पाएगा। 131 करोड़ वाला फंड मैनेजर ही उसको पैसों को आराम से मैनेज कर पाएगा ना। तो काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि जिस फंड्स का AUM ज़्यादा होगा हम उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेंगे। खैर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस में नहीं। तो AUM होता है जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो टोटल होता है स्कीम का, कि इस स्कीम्स में इन्वेस्टर्स ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, और जो स्कीम है इस इतने पैसों को मैनेज कर रही है, इन्वेस्टर्स से जो पैसे आए हैं और मार्केट में इतने पैसे हैं उनके पास, तो उसको हम कहते हैं AUM। और बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं। जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हैं, तो स्टॉक्स में आपको डीमैट फॉर्म में जो है स्टॉक्स दिए जाते हैं, बट इनमें आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं। जैसे आपने 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट की, तो चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा NAV के बारे में, NAV के बाद। तो यूनिट्स हमें अलॉट होती हैं जितनी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसकी जितनी NAV होती है हमें उतनी जो है यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं। तो बात करेंगे NAV के बारे में। जो NAV होती है वो म्यूचुअल फंड्स की मार्केट वैल्यू होती है, जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होती है उसकी मार्केट वैल्यू होती है, पर यूनिट्स की मार्केट वैल्यू को हम NAV कहते हैं, मान लेते हैं। और जो ये डेली जो है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो बात करेंगे, जैसे हमारे पाप के पास 2000 रुपये हैं, और एक स्कीम्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उस स्कीम की जो NAV है वो है 50 रुपये। तो हम ऐसे में 2000 डिवाइड बाय 50, तो इक्वल टू 40 जो है आपको 40 यूनिट्स मिलेंगे उस स्कीम में, अगर उस स्कीम की जो NAV है 50 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस स्कीम की जो है NAV 50 ही हो, वो अगले दिन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू। देखिए, जैसे हमें शेयर जैसे हम खरीदते हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं, तो स्टॉक में हमें क्या होता है, स्टॉक का प्राइस होता है, चलता है कि 500 रुपये कुछ, 501 रुपये, तो वो हमें 500 रुपये देने पड़ते हैं एक शेयर को खरीदने के लिए, 1 शेयर। तो ऐसे ही एक यूनिट्स की वैल्यू होती है NAV। तो अगर हम एक यूनिट्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो हमें उतनी उसमें, जैसे 50 रुपये है, तो 50 रुपये में हमें एक यूनिट मिलेगी, बट इनकी कोई कंडीशंस होती हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है, आप उतनी 100 रुपये से शुरू होती है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू। तो आपको मैंने आज बताया AMC, AUM और यूनिट्स के बारे में, एंड NAV के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं डाउनलोड।